हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खड़गपुर रेलवे स्टेशन के हिस्ट्री के बारे में। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी आपको डेली मिलती रहती है। दोस्तों, खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर सब डिवीजन के अंदर आता है। इसकी शुरुआत सन 1898 में की गई थी, जिसका पुराना नाम बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन था। वर्तमान में यह इंडियन रेलवे के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर में आता है। दोस्तों, जब खड़गपुर जंक्शन की शुरुआत की गई थी, तब सन 1899 में एक तरफ बंगाल नागपुर रेलवे की खड़गपुर कटक लाइन और दूसरी तरफ सन 1900 में कोलाघाट में रूप नारायण नदी पर पुल बनने से खड़गपुर को हावड़ा से जोड़ा गया। वर्तमान में खड़गपुर जंक्शन से हावड़ा खड़गपुर लाइन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और आद्रा खड़गपुर लाइन होकर जाती है। दोस्तों, गोरखपुर और केरल में कोलम जंक्शन के बाद खड़गपुर जंक्शन 1072.5 मीटर की लंबाई वाला दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर से पहले खड़गपुर कई वर्षों तक दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन में से एक था। खड़गपुर में ही एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सॉलिड इंटरलॉकिंग SSI सिस्टम है। दोस्तों, SSI इंटरलॉकिंग प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जिसे ब्रिटिश रेल रिसर्च के द्वारा सन 1980 में बनाया गया था। हावड़ा के बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में खड़गपुर जंक्शन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसे साउथ ईस्टर्न रेलवे का गेटवे के रूप में जाना जाता है। यह जंक्शन हावड़ा को मुंबई से, चेन्नई को आद्रा पुरुलिया के साथ साथ भुवनेश्वर को दिल्ली से जोड़ती है, जहां लगभग 275 ट्रेनें गुड्स और पैसेंजर मिलाकर डेली गुजरती हैं, जिसमें लगभग 176 पैसेंजर ट्रेन है। इतनी अधिक ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन IIT खड़गपुर के पास स्थित हिजली रेलवे स्टेशन को खड़गपुर का ऑप्शनल रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया है, जिससे आधी ट्रेनें हिजली से बाईपास होकर निकल जाएगी। हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन रेलवे के एक ग्रुप वाले रूट में आते हैं, जिसमें ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी गई है, लेकिन अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित है। फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर TPWS लगाने का अप्रूवल हो गया है। दोस्तों, खड़गपुर जंक्शन को रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रूट ईस्ट वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, जिससे कि फ्रेट ट्रेनों की डिमांड बढ़ेगी। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए हावड़ा खड़गपुर के बीच महिलाओं के लिए EMU कई उपनगरीय ट्रेनों को शुरू किया गया। खड़गपुर जंक्शन के पास कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 9 है। प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 6 तक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सर्विस देते हैं, और 1A, 2A, 3A, EMU, DMU और पैसेंजर ट्रेनों की सर्विस देते हैं। इस तरह से इस वीडियो में आप खड़गपुर रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।